बहुत तेज भूख। ये मंगाया है मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम है और ये देखिए रूम की कुछ ऐसी हालत है। अभी काम चालू नहीं हुआ है और आलू उबाल के मैंने फटाक से मॉर्निंग में ही उबाल दिया था। और पंखे के नीचे ऐसे रख दो ना बेड पे तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और मैंने कई बार पहले क्या करती थी कि रात में ही आलू उबाल के रख लेती थी फ्रिज में और छील के रख लेती थी, बट सुबह ना वो इतना पानी उसमें हो जाता था और जैसे उसमें नमक ऐड करती थी, ओ माय गॉड, मतलब वो इतने गीले हो जाते थे, मतलब वेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाते थे वो। बट मॉर्निंग में अब मैं इस तरह से ताज़ा ताज़ा उबालती हूँ और रेडी करती हूँ ना, आलू बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम बस ये कि एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ता है, थोड़ा सा और जल्दी उठना पड़ता है ताकि ये जो आलू ठंडा होना होता है ना वो जल्दी हो जाए। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, एक मिर्ची और हाँ ये चाट मसाला जो है ना काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगते हैं, तो अगर आप एक बार ट्राई करिएगा बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है और हाँ पिसी खटाई हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। बट आज मेरा मन हुआ चाट मसाला और जीरा को भूंज के आप थोड़ा सा पीस के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आलू पराठे में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर और टेस्ट बढ़ाना है ना तो आप आलू को फ्राई भी कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं, सब्जी बनती है। और बस यहाँ पे ना सबसे पहले फटाफट जो है ना आलू में आज ठंडे ठंडे होने में थोड़ा टाइम लग गया तो इसलिए इतना फटाफट मैं कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बच्चों के पराठे बना दूँ। सिया दो पराठे ले जाती है एंड आयान को मैं एक देती हूँ बड़ा सा पराठा। और आप मानोगे नहीं वो इतना बदमाश है कि एक पराठा ले जाने के बाद भी जो है ना वो उसमें भी छोड़ देता है थोड़ा सा पराठा। तो एक पराठा दो पराठा वो खाता ही नहीं है, उसकी आदत हो गई है। तो सबसे पहले एक पराठा एक एक पराठे बनाती हूँ इन लोगों को नाश्ता करने के लिए ताकि ये लोग खा लें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये जो है बटर पेपर लेती हूँ, मैं हमेशा पराठे वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये सिया के लिए, सिया शेजवान चटनी के साथ खाती है, सिया की आदत है, तो मैंने शेजवान चटनी थोड़ी सी रख दी है प्लस थोड़े सा थोड़ी सी नमकीन रख दी है। और हाँ फटाक से मैंने एप्पल कट करके रखा था, ज़्यादा इस समय फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं। बनाना वगैरह बच्चे ले जा चुके हैं दो दिन से ले जा रहे हैं बनाना, तो आज मैंने बनाना नहीं ऐड किया। और ये सिया का लंच पैक हो गया एंड अयान का बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ पराठा ले जाता है वो। और अदर ना मैं उसको ज़्यादा फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो एक पराठा भी फिनिश नहीं करता है। तो बच्चे चले गए हैं लंच स्कूल, हम लोग अब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो इनके लिए जो है पराठे बनाऊँगी मैं और चाय रख दिया है। तो बस ये टाइम है हम लोगों का आराम से टीवी देखते देखते हम लोग अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं, या कुछ काम होता है, कुछ घर की प्लानिंग होती है तो बात करते हैं, उसकी प्लानिंग हो जाती है। और बस ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। और हाँ पास्ता रखा था तो मैंने थोड़ा सा पास्ता जो है ना वो खा लिया था गर्म करके, मुझे पराठे नहीं खाने थे तो मैंने कहा सोचा मैं पास्ता खा लूँ वो ठीक है। एंड भूख बहुत तेज़ लगी थी रात में, जब मैं खाना कुछ भी खाती नहीं ना मुझे बहुत भूख लगती है। और यहाँ पे देख रही है बच्चे पैन जो नहीं यूज़ किए ना वो भी रखते हैं, साइड में कपड़े रखे हैं जो ज़मीन पे वो सब जो है ना फेंकने हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी मैं क्योंकि कितना भी आप साफ़ कर लो बच्चे यहाँ पूरा दिन रहते हैं ना तो इतना गंदा कर देते हैं। मॉर्निंग में मुझे काम रहता ही है, मैं पूरे दिन में भी क्लीन करती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, बट बच्चे जो है वो नहीं मानते, जब पढ़ते लिखते हैं ना तो वो यहाँ मैसी कर देते हैं बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मॉर्निंग है अभी 10:30 हो रहे हैं फिलहाल। अभी बेडरूम देखिए बेडशीट ना ऐसी सब रखी हुई, चढ़ाया नहीं बेडशीट नहीं लगाया, कल फिर कुछ काम होना है अंदर अलमारी का, आए होते कल होगा। और मेरे को मुझे ना भूख सी लग रही थी पर मैंने कुछ खाऊंगी नहीं,
क्योंकि जब थोड़ा सा झाड़ू पोछा वगैरह काम वगैरह किया तो भूख सी लग रही थी, फिर मैंने कहा चलो ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, कुछ भूख तो लग रही है पर मन कुछ नहीं है खाने का, मन भी नहीं हो रहा था। ये क्या गिरा, चार्जर गिरा, मैं डर गई। है ना, एक चीज़ और सोच रही थी सूट करने के लिए, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है इस समय, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बहुत हेडेक हो गया, सुबह से क्लीनिंग वगैरह किया। और ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, जब से आदत पड़ी है ना एक साल से, दो तीन बार तो मैं पी लेती हूँ चाय, पर मैं नहीं छोड़ती हूँ। हाँ कभी कभी एक टाइम चाय हो जाती है, नहीं हो पाती है दो टाइम, बट ठीक है ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर होती है। सिया को मैंने सिखा दिया है बनाना, तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मुझे, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो मुझे बना के दे देती है, तो और अच्छा लगता है। उसके हाथ की ना कोई भी चीज़ मैं खाती पीती मुझे बहुत अच्छा लगता है, अलग ही टेस्ट आता है उसके हाथ में। ये मैंने शूट करने के लिए तैयार कर लिया है, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने लुक फाइनल कर लिया है, बहुत जल्दी मैंने सारी तैयारी कर ली थी, तो इस तरह से है ये, आपको मेकअप लुक में समझ में आ जाएगा मैंने ये साड़ी का पूरा लुक। ये चूड़ी तो बहुत फटाफट रेडी की हुई मैं, तो ये अब हो रहा है बराबर 1 बज रहा है दोपहर के, जल्दी जल्दी काम करम करके सारा मैंने जो है ना सेटअप फटाक से कर लिया, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें रखी हुई थी। और ये देखिए ये सारी चीज़ें मुझे सेट करना है, जैसे तैसे आज मैंने कर लिया मेकअप लुक बहुत बहुत गर। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मेकअप लुक किया है, अगल बगल इतना सामान रखा था, इतना मैसी था, क्योंकि नीचे का सारा सामान ऊपर ही सेट हो रखा है इस समय, है मतलब ऐसे ही है, तो काफ़ी कपड़े वगैरह बहुत सारा सामान, और उतने में आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि इतना मतलब सामान के बीच मैंने मेकअप लुक किया है कि अगल बगल इतना मैसी। और मैंने फिर ये हेयर स्टाइल कर ली थी, तो अब साड़ी में इस टाइप की हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो शेयर कर दूँ। ये वी मार्ट से मैं लेकर आई थी अपने लिए हैंड बैग, एंड ये देखिए इस तरह से है ये ब्लू कलर में, और ऑनलाइन नहीं लिया मैंने, मतलब मॉल गई थी कुछ दिन पहले तब लिया था, तो ये वही अराउंड 600 रुपये का मुझे पड़ा था, तो अच्छा लग रहा था, स्पेस अकॉर्डिंग मुझे जैसे चाहिए, बेल्ट भी लॉन्ग हो जाती है इसकी, तो काफ़ी अच्छा है ये। और मैं ना इस समय ज़्यादातर बाहर मार्केट से ही हैंडबैग ले रही हूँ, एक मैंने लिया था अमेज़ॉन से स्लिंग बैग, आप लोगों से शेयर किया था मैंने ब्लैक कलर का, बाकी मैं ऑनलाइन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे ऑनलाइन के बहुत से बैग जो है ना वो बहुत बेकार निकले हैं। तो मैंने सिया की टीचर के लिए चीज़ मंगाई थी, तो आई होप कि शायद आ गई है, तो मैंने ये मंगवाया था मीशो से, तो सिया अपनी क्लास टीचर के लिए गिफ्ट देना था, तो मैंने कहा चलो मंगा देती हूँ, इसको ओपन करते हैं, और वो इंतज़ार कर रही थी जल्दी आ जाए, तो थैंक गॉड की जल्दी मीशो ने सेंड कर दिया। तो इसमें एक चीज़ है, उनके हेयर के लिए मैंने मंगाया, इसमें उनके हेयर बहुत अच्छे हैं सिया ने बताया था, तो ये इस तरह से क्लैचर है ये, और काफ़ी टाइट है, मतलब ना आप आधे हेयर करके इसको हाफ हेयर करके बांध सकती हैं, बहुत ही सुंदर सा है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस तरह का है, तो ये कुछ स्टोन में दिया हुआ है वर्क इसका, ये तो मैंने अपने लिए रख लिया है, सिया के लिए जैसे यूज़ में आएगी। वाओ सो प्रिटी, ये देखिए ये इस तरह से एक्सेसरीज हैं, इन सब में दो चीज़ है, एंड मैंने ना डेली उसको है स्लीपर्स मंगवाए हैं डेली उसके लिए, और घर के लिए अलग मंगवाया है, एंड बाहर के लिए अलग, क्योंकि आप वही घर पे मैं नहीं पहनती हूँ जो बाहर पहनती हूँ, घर के लिए मैं हमेशा अलग रखती हूँ, थे बट मेरे अब मेरे टूट गए, एंड मेरी एडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो मैंने उस तरह से जो है ना स्लीपर्स मंगवाई है, अभी आप लोगों को दिखाऊँ। एक ये स्लीपर्स हैं सैंडल, मतलब स्लीपर है घर के लिए, ये मंगवाया मैंने अपने लिए, तो ये कुछ इस तरह से है, और ये मैंने मंगवाए हैं सिया के लिए, तो काफ़ी अच्छे इसमें अच्छी खासी हील्स है। ये वाली सैंडल है मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली, तो ये इस तरह से कलर है, बिल्कुल फ्लैट है, इसमें हील्स नहीं पहनती हूँ मैं, और ये डेली यूज़ की है, तो ये देखिए ये और मेरी ये दोनों कॉम्बो में आया है, मीशो से मैंने लिया है ये वाला, दोनों कॉम्बो में, इसका भी कलर बहुत सुंदर सा है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन।
बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे। मैंने मठाखी आलू नहीं खाए क्योंकि मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। ये कहते नहीं खा लो, भूख बहुत तेज़ लगी थी क्योंकि इतनी देर से ना सुबह से काम होते से ऊपर मैं लगी रही इतनी देर, और सारा सेटअप सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत एक वीडियो बनाने के बिना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मौसम ना बहुत अंधेरा सा हो गया अब बाहर, तो बहुत तेज़ आई थी बारिश होने वाली, क्योंकि दे भी रहा था 12 बजे हो गई थी, अब 2 बजे का टाइम दे रहा था। अब इस समय दे रहा है कि अभी बारिश होने वाली है। सीधा शाम को ब्लैक कॉफ़ी पीना है, तो मेरा इस टाइप का रूटीन चलता है। बाकी अटर पटर कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, अगर भूख लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खा लूँगी, 1 ग्लास मिल्क पी लूँगी इस तरह से। और यहाँ पे शाम की चाय जो है ना वो रख दी थी, और गैस थोड़ी गंदी है, इग्नोर करिएगा। सुबह मैंने ना हमेशा मैं सुबह शाम साफ़ करती हूँ, बट आज मैंने साफ़ नहीं किया था। ये मैंने न्यू हर्ब्स का ऑर्गेनिक शतावरी पाउडर मंगाया था। इसके बेनिफिट्स मैंने देखा, मैंने सर्च किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये हार्मोन्स बैलेंस के लिए एंड लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अदर आप पाउडर लेते हैं उससे अच्छा है कि आप ये ले। अभी मैंने लेना शुरू किया है, सो मैं आप लोग को इसके रिज़ल्ट भी बताऊँगी, बट इतनी जल्दी नहीं बता सकती हूँ। और इसमें बस नॉर्मल जो है ना आपको गुनगुने पानी में इसको लेना है 1 स्पून। तो काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं, अभी लिया नहीं है तो मैं ये बता नहीं सकती कि क्या है अच्छा क्या नहीं है। तो बस आप ये है कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें इस तरह से, मतलब ना लें। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, नॉर्मल जब मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। और इसका लिंक ना मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। अगर आपको सही लगता है, आप इसके बारे में पढ़िए, तो आप ज़रूर, लेडीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बॉडी के लिए। सो जैसे आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है या आप के कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, वीकनेस लग रही है, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। और ये ना देखिए कि टेस्ट इसमें है कि नहीं, कि टेस्ट आई थिंक बिल्कुल नहीं, मैंने चखा था। और बस शाम को आ गई थी किचन में, और ये चेयर में आपको सारे धुले हुए वॉश हुए कपड़े दिखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कपड़े थे जो अंदर कमरे से मैंने हटा दिया था गंदे ना हो जाए। तब इसको फुर्सत में अभी जो है ना रात में मैं इसको फोल्ड करके रखना है मुझे। तो फ़िलहाल बर्तन लगा रही थी, स्टैंड में इतने सारे बर्तन थे, तो किचन में काम करते करते ना मैं बर्तन भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या हो जाता है बर्तन रखती नहीं हूँ ज़्यादातर, बहुत ही कम है, तबीयत ख़राब है, नहीं हो पा रहा है, तो भले बर्तन रखे रहे, बट बर्तन लगाना ही सही रहता है मेरे लिए, मुझे लगता है। फिर मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता, फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैंने जो है सब्ज़ी कट कर लिया था, और नॉर्मल मैंने कहा चलो सब्ज़ी एक सब्ज़ी बना लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि सुबह आई थिंक सब्ज़ी पराठे क्या खाया था मैंने, मुझे खुद ही नहीं याद है। तो मैंने कहा शाम को आलू की सब्ज़ी हो जाएगी तो सही रहेगा, जैसे सुबह पराठे वगैरह खाते हैं ना, तो शाम को ही कहते हैं आलू की नॉर्मल सब्ज़ी भी, मैंने कहा चलो दम आलू की सब्ज़ी जो बच्चों को बहुत पसंद आती है तो वही बना रही हूँ। तो सबसे पहले आलू फ्राई करूँगी। और ये देखिए, मैंने आप लोग से बात करते करते खाना बनाते बनाते मेरा हाथ भी जल गया था, और इस समय गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत जल्दी मेरे छाले पड़ते हैं। तो हल्का सा जैसे एकदम से मैंने आलू फ्राई किया तो हल्का सा छींटा आ गया। और यहाँ पे बस थोड़ा सा पेस्ट रेडी कर रही हूँ मैं आलू प्याज लहसुन का, और बस प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। और ये देखिए मेरी उंगली में ना काफ़ी एकदम जलन सी हो रही है, मतलब छाला पड़ने वाला होता है ना, तो ऐसे ही होता है। इस बीच मेरे 2-3 छाले पड़े थे हाथ में। और बस टमाटर प्यूरी ऐड कर दिया है, और जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर देना है, और बस सब्ज़ी बहुत अच्छी हो जाती है जब आप सब्ज़ी पकना है, मसाले अच्छे से पकाना है। उसके बाद मैंने ये शतावरी पाउडर मुझे भरना था कंटेनर में, ये मैंने मंगाया था मीशो से, ये नेम लिस्ट है, आप किसी भी कंटेनर में चिपका लीजिए। और हाँ, ये ना मतलब आपको इसमें नाम लिखना होगा, मैंने मंगाए थे नाम लिखने, मतलब लिखा हुआ था, बट उसमें हर एक चीज़ नेम नहीं होता है चीज़ों का, मसालों का, तो इसलिए मैंने अलग से मंगाया था। और ये मार्कल मैंने मंगाया था वाइट मार्कल, जो यहाँ तो मिला ही नहीं था मुझे, 2 मार्कल मैंने मंगाए थे कॉम्बो में,
ये मार्कर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था एंड बहुत अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता है। तो बस इसको लेके आप किसी भी कंटेनर में, क्योंकि क्या होता है आप ट्रांसपेरेंट भी आप यूज़ करते हैं कंटेनर, तो उसमें पता नहीं चलता, याद नहीं रहता है कि हमने क्या इसमें जो है ऐड किया, क्या भरा है, इसमें क्या है खाने की चीज़ें। तो इसीलिए मैं ये लिख के अब रख देती हूँ हर चीज़ में, तो कम से कम याद तो रहेगा कि हमने क्या रखा है इसमें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मुझे मसाला वसाला ऐड करती हूँ, ये देखिए शतावरी पाउडर लिखा मैंने, और ये इस तरह से लगा रख लिखने से है कि मुझे याद रहेगा। कई चीज़ें होती, सेम चीज़ें होती, नहीं समझ में आता है। और यहाँ बस मसाला हो गया, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी कम ऐड करें। सो गाइस, खाना वाना तो बना के मैं रोटी टी बैठ गई थी, बहुत थक गई हूँ आज, मैं इतना थक गई हूँ कि आपको मेरी आँखों से समझ में आ रहा होगा मैं कभी रिमूव नहीं किया। एक जगह जाना था मुझे, फिर बारिश इतनी होने लगी तो फिर मैंने कहा रहने दो, और चूड़ियाँ उतारना पड़ा, क्योंकि ना मेरी यहाँ की स्वेलिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, स्वेलिंग सी हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो बहुत लग रही थी चूड़ी। और ये गए हैं बच्चों को बस यही कॉस्मेटिक क्या बोलते हैं उसको, बुक स्टॉल में पेन, और कल क्योंकि टीचर्स डे सेलिब्रेशन है स्कूल में, सो बस इन लोगों का, हम लोगों का हेडेक होता है चीज़ का। तो सीधा तो गिफ्ट मंगा दिया था, अयान को कोई मतलब नहीं रहता, दी आप जो मने आप वो ले आना, तो मैंने कहा अच्छा आप पेन दे दो, मैंने कहा ज्वेलरी अगर कुछ कहूँगी तो शर्म आएगा फिर नाटक करेगा, तो मैंने कहा गर्ल्स पेजेस सूट करती है। मैंने अभी लिपस्टिक एंड नेल पेंट ऑर्डर किया है माई ग्लैम का, उसी का देखिए व्हाट्सएप पे तुरंत बोलो शेयर कर देते हैं कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो अभी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यह हम लोग कर रहे हैं डिनर, और सिया कहीं नमक नहीं डाला है सब्ज़ी में आपने, तो मैं नमक हमेशा कम ऐड करती हूँ ताकि बाद में कम लगे तो आप मतलब एक्स्ट्रा आप उसमें और भी डाल सकते हैं नमक, पर मैं हमेशा कम ऐड करती हूँ। और ये ना भुकनू लगा के रोटी रेडी कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैंने सोचा क्योंकि आज मैंने ना खाना नहीं खाया था तो मुझे चक्कर आने लगती, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो सिर्फ एक रोटी घी और भुकनू लगा के फिर मैं खा लेती हूँ, और एक गिलास दूध, क्योंकि एक रोटी खाने के बाद आधा एक घंटा टहलना होता है फिर पता ही नहीं चलता फिर कि मैंने कुछ खाया भी है, तो इसीलिए मैंने कहा ज़्यादा भी वीकनेस ना हो बॉडी में, तो फिर मैंने ये खा लिया था। सो आज का व्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।